हेलो, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम वेलकम टू IFS। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट इज़ वेन डायग्राम एंड सिलॉजिज्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें गेट एप्टीट्यूड में बहुत बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, खासकर सिलॉजिज्म से क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो मैं आपके सामने दूंगा, उसके लिए कुछ समय दूंगा 90 सेकेंड्स का हर एक क्वेश्चन के लिए। तो उस टाइम इंटरवल के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो बनना चाहिए। तो टाइम यहाँ पे सेट किया जाएगा 90 सेकेंड्स का। तो उस टाइम इंटरवल में आप आंसर करेंगे तो दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ पे टाइम बाउंड एग्ज़ाम होता है तो चीज़ों को समय के अंदर करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा जो हमारा वेन डायग्राम का होगा, जिसमें हम जो वेन डायग्राम्स हमको बनाना पड़ेगा उसकी हेल्प से जो हमारा डेटा है उसमें लगा करके सॉल्व करना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन मैं दे देता हूँ आपको इस दिस। चलिए इस क्वेश्चन को जरा करिए। आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, आई विल गिव यू 90 सेकेंड्स। तो 1.5 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया विद इन टाइम। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ आपका समय हो चुका है समाप्त। तो अब देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ स्पोर्ट्स अकेडमी ऑफ 300 पीपल, यानी कि एक स्पोर्ट्स अकेडमी है जिसमें 300 लोग हैं, 105 प्ले ओनली क्रिकेट, यानी कि 105 ऐसे लोग हैं जो कि केवल और केवल क्रिकेट खेलते हैं, 70 प्ले ओनली हॉकी, 70 लोग केवल और केवल हॉकी खेलते हैं, 50 लोग केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि तीन तरह के गेम की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, तीन यहाँ पे सर्कल्स बना लेते हैं लाइक दिस, राइट। तो बात हो रही है यहाँ पे क्रिकेट की, हॉकी की और फुटबॉल। ठीक है, तीन गेम्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 300, यानी कि जितने भी लोग हैं वो कितने हैं, 300 लोग हैं। देर आर 300 पीपल, जिसमें से केवल और केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं 105, ओनली क्रिकेट वाले हैं 105, ओनली हॉकी वाले हैं हमारे पास 70, एंड ओनली फुटबॉल वाले हैं 50। कह रहे 25 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 15 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, एंड 30 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ देम प्ले ऑल द थ्री गेम, बाकी के जो लोग बचे वो बाकी के तीनों गेम खेलते हैं। तो तीनों गेम खेलने वाले हमको नहीं पता, लेट्स इट इज एक्स। तो क्रिकेट हॉकी वाले कितने, क्रिकेट एंड हॉकी वाले 25, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल दैट आर 15, एंड 30 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। बात समझ में आ गया। तो सबको प्लस करके हमारा जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है उसके बराबर आ जाएगा। यानी कि दिस विल बी 105 प्लस, ये सारे ओनली वाले पहले प्लस कर लें, 105, 70 और 50, और बाकी बोथ वाले कितने, 30, 25 और 15, और प्लस ऑल वाले हैं एक्स, सब मिला के 300। तो इसके बाद
this will be 120, 120 and 105. This will be 225 plus this will be 40, 50, 60, 70. So the people who are playing all the three games are 300 minus this will be 295. So पांच लोग ऐसे हैं जो कि सारे के सारे गेम खेल रहे हैं. तो कह रहा है इनका परसेंटेज बताइए. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्ले एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स. ओके हमको ऑल वाले मिल गए. ऑल वाले हैं फाइव. तो कह रहा है एटलीस्ट कम से कम दो लोग, दो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग. एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स का मतलब समझते हैं. एटलीस्ट का मतलब है कम से कम दो स्पोर्ट्स वाले. लेकिन दो वाले भी काउंट हो जाएंगे और सारे वाले भी काउंट हो जाएंगे. तो सिंगल वाले काउंट नहीं करेंगे. तो ऑल स्पोर्ट्स वाले यानी कि सारे के सारे जो गेम खेल रहे हैं दैट इज 25. यानी कि ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये सब काउंट हो जाएंगे. 25 प्लस 5 30, 30 और 30 60, 60 और 15 75. तो डायरेक्टली हम 75 लिख देंगे. यानी कि 75 लोग यहाँ पे एटलीस्ट टू गेम खेल रहे हैं. तो 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 300 इनटू 100. दिस विल बी 4 टाइम्स एंड दिस विल बी 25. 25% लोग ऐसे हैं जो कि सारे के सारे एटलीस्ट टू गेम्स यहाँ पे खेल रहे हैं. बात समझ में आ गया किसको इस तरह से करना है. एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो कि वेन डायग्राम से ही सॉल्व होगा. तो मैं चाहता हूँ इसको आप एक बार देखें क्या कह रहा है. एक बार इसको पढ़ें, 90 सेकंड्स लीजिए. वैसे यूजुअली अगर तीन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, तीन सर्कल की हेल्प से जो बनते हैं क्वेश्चन, वो थोड़े से ईजी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू फोर डायग्राम. फोर वाले थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहते हैं. तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू. टेक योर टाइम एंड The time starts now. करिए जरा. ठीक है तो आपका जो समय है वो समाप्त हो चुका है. इसी के साथ आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा. बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ सोचने वाला ज़रूर है. करेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन अमंग द कैटेगरीज. इनके बीच में रिलेशन हमको बताना. क्या टीम स्पोर्ट्स, बॉल गेम्स, हॉकी एंड खो खो, इनके बीच में क्या रिलेशन, यानी कि इसको हम किस तरह से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है टीम स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें जो टीम में खेले जाते हैं. क्योंकि देखोगे आप हॉकी आपका एक टीम स्पोर्ट्स है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं. खो खो भी एक टीम स्पोर्ट्स है. ये बात तो हमको समझ में आता है. बाकी बॉल गेम वो गेम होते हैं जिसमें बॉल का यूज़ होता है, जैसे कि हॉकी में यूज़ होता है लेकिन खो खो में इसका यूज़ नहीं होता है. तो देखिए इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ लाइक दिस. अगर इसको मैं एक टीम स्पोर्ट्स मान के चलता हूँ, दिस इज़ अ सर्किल फॉर टीम स्पोर्ट्स. टीम स्पोर्ट्स के अंदर हमारा खो खो भी आ जाएगा और हॉकी भी आ जाएगा पूरे का पूरा. लाइक दिस खो खो आ गया और ये हॉकी आ गया. ठीक है दिस इज खो खो एंड दिस इज हॉकी.
दिस इज हॉकी। अब बॉल गेम क्या होगा? देखिए, बॉल गेम जो होता है हमारा वो टीम स्पोर्ट्स का भी पार्ट हो सकता है, यानी कि जो टीम में खेले जाते हैं जो स्पोर्ट, उसमें बॉल गेम यूज़ हो सकता है, लेकिन खो खो में तो यूज़ नहीं होगा ना, और साथ में हॉकी में भी यूज़ होगा। यानी कि हॉकी एक ऐसा गेम है जो कि बॉल गेम है, और बाकी बाकी के जो हमारे टीम स्पोर्ट्स है वो भी एक हमारा बॉल गेम हो सकता है। तो लाइक उसको इस तरह से हम बना सकते हैं, लाइक दिस इज फॉर बॉल गेम। ठीक है, तो ये वो पार्ट हो गया बॉल गेम का जो कि टीम स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं है लेकिन बॉल गेम यूज़ होता है, जैसे कि टेबल टेनिस, टीम स्पोर्ट्स में नहीं खेला जा रहा है, वो सिंगल में खेला जा रहा है लेकिन उसमें बॉल यूज़ हो रहा है, तो ये वो वाले गेम्स आ जाएंगे बाहर। जो अंदर वो वाले गेम्स आ जाएंगे जो कि हॉकी लाइक हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वो सारे के सारे टीम स्पोर्ट्स है, साथ में बॉल गेम भी है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है राइट आंसर, ये बड़ा वाला सर्किल जो दिख रहा है टीम स्पोर्ट्स का है ये वाला, ये खो खो का है और ये हॉकी का है और ये बॉल गेम का है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, तो ये लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सिलॉजिज्म। तो आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड्स फॉर दिस, तो टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। कह रहा है ऑल फिल्म, यानी कि जो स्टेटमेंट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, एज्यूमिंग दी स्टेटमेंट टू बी ट्रू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकली फॉलो, इनमें से कौन सा लॉजिकली फॉलो करेगा। स्टेटमेंट दे रखा है ऑल फिल्म स्टार आर प्लेबैक सिंगर, यानी कि सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, सारे के सारे जो फिल्म स्टार है वो प्लेबैक सिंगर होंगे, प्लेबैक सिंगर। ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, जो फिल्म स्टार की बात कर रहा है कि ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, ये सारे के सारे जो फिल्म स्टार फिल्म डायरेक्टर हैं वो फिल्म स्टार के अंदर आएंगे। फिर कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, कह रहा है ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर, सारे के सारे जो फिल्म डायरेक्टर हैं वो प्लेबैक सिंगर का पार्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, उसी के अंदर तो आ रहा है। ठीक है, सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, सम फिल्म स्टार्स आर, ये जो फिल्म स्टार्स हैं वो क्या है कह रहा है, सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, बिल्कुल होंगे, जो फिल्म स्टार्स हैं वो फिल्म डायरेक्टर का पार्ट होगा बिल्कुल, यानी कि बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। बात आ गई समझ में? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, तो करिए जरा, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, सो टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट शुड बी द राइट आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वो टाइम्स अप, देखिए क्या कह रहा है। और वीमेन आर एंटरप्रेन्योर, लेकिन सारी की सारी जो वीमेन है वो एंटरप्रेन्योर है, ऑल वीमेन्स आर एंटरप्रेन्योर लाइक दिस, सम वीमेन्स आर डॉक्टर, कुछ जो वीमेन का पार्ट है वो डॉक्टर्स लाइक दिस। यार विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी लॉजिकली इन्फेयर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, इसमें से कौन कौन सा हम लॉजिकली इन्फेयर कर सकते हैं कि इनमें से इन स्टेटमेंट में से, कह रहे ऑल वीमेन आर डॉक्टर, सारी की सारी जो वीमेन है वो डॉक्टर का पार्ट है, नहीं जी गलत, सारी की सारी नहीं कुछ है, ऑल डॉक्टर्स आर एंटरप्रेन्योर, सारे के सारे जो डॉक्टर है वो एंटरप्रेन्योर का पार्ट है, नहीं, ऑल एंटरप्रेन्योर आर वीमेन, सारे के सारे जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं वो वीमेन हैं, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर वीमेन तो नहीं है लेकिन सारे के सारे वीमेन एंटरप्रेन्योर है, ये नहीं होगा। सम एंटरप्रेन्योर आर डॉक्टर, कुछ जो एंटरप्रेन्योर का पार्ट है वो डॉक्टर है, बिल्कुल है, ये वाला जो पार्ट है ये डॉक्टर भी है, वीमेन भी है और एंटरप्रेन्योर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनेगा इस लॉक से अगर आएगा तो बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, वो क्वेश्चन आप इसको कर लो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्या कह रहा है तो जरा पढ़िए और ट्राई करिए, टेक 60 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा ऑल सिटीज आर टाउन, क्योंकि सारे की सारी जो सिटीज हैं वो टाउन का पार्ट है, सम सिटीज आर विलेज, कुछ जो सिटीज है वो विलेज है, ओके कंक्लूजन ऑल विलेज आर टाउन, यानी कि सारे के जो विलेज हैं वो टाउन का, सारे के सारे जो विलेज हैं वो टाउन का पार्ट होंगे, नहीं सब नहीं होंगे कुछ होंगे, नो विलेज इज टाउन, कोई भी जो विलेज है वो टाउन नहीं होगा, नो विलेज इज टाउन, कोई भी विलेज का पार्ट टाउन नहीं होगा क्या, ये भी गलत है, कुछ विलेज का पार्ट टाउन है तो क्या कह रहा है, सम विलेज आर टाउन, कुछ जो विलेज है वो टाउन है, बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, तीसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा केवल सम विलेज आर टाउन, कह रहा है ऑल सिटीज आर टाउन, ऑल सिटीज आर टाउन, सम सिटीज आर विलेज, सम सिटीज आर विलेज लाइक दिस, ये केवल और केवल सम विलेज आर टाउन ये वाला फॉलो करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलो। इतने आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको समय नहीं लगेगा, अगर एग्जाम में आएगा तो उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, सिलॉक से क्वेश्चन को सबसे पहले करना है और थोड़ा आसान क्वेश्चन को हम क्या करते हैं एक्साइटमेंट में गलत कर देते हैं या गलत पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे, ओके इतना ही हमारे पास क्वेश्चन थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, सबसे पहले वेन डायग्राम का क्वेश्चन, फिर इस तरह का क्वेश्चन जिसमें हमें रिलेशन पूछता है, और फिर इसके बाद हमारे सिलॉक्सी क्वेश्चन, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और मिलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ों को और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से रिवाइज करते रहिए, चलिए थैंक यू सो मच।